पूर्णिया के मिल्की चौक स्थित सत्संग मंदिर में भव्य आयोजन के साथ मंदिर का उद्बोधन दिवस मनाया गया और इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रवचन एवं भजन कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ आनंद बाजार का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दरमियान भक्तों ने बताया कि मानव जीवन को सुधारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमेशा चलाए जाते हैं। पूर्णिया सत्संग विहार के मंदिर का उद्बोधनी दिवस है। आज के ही दिन जो है 1212 में हमारे आचार्य देव बवाई बाबू पूरे देवघर से आकर के इसका उद्बोधन किए थे। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग जो है ये उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव का मेन उद्देश्य है मानव को किस तरह बचाया जाए, मानव को कैसे बढ़ाया जाए, मानव को कैसे संसार में मानवता सिखलाया जाए। इसी के लिए परम प्रेम में ठाकुर आए हैं सबको बचाने और बढ़ाने के लिए। इनके लिए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध की कोई बात नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान अमेरिका की कोई बात नहीं है। परमदयाल ठाकुर अनुकूल पूरे विश्व के मानव के कल्याण के लिए आए हैं। सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। धर्म में सभी बसते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। मनुष्य अपना पैसा पराया, शक्ति भर मनुष्य गुजरना, ये ठाकुर का उद्देश्य। कैसे बचाएगा मनुष्य तक? उसके लिए परमदयाल ठाकुर अनुकूल चंद जी इस युग का नाम लाए हैं बीज मंत्र, जो नाम मनुष्यों को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्यों का स्थिर ग्रहण क्षम बनाता है। कोयला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश, जब मानव उस नाम का जपन करता है, ये जुग का नाम का जब भजन करता है, उनका गुणगान करता है, उनके अंदर की गलत कालिमा धीरे धीरे कोयला की मैला की तरह वो छूट जाती है और मानव सच्चा मानव बन जाता है। यही मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में ठाकुर जी लगे हुए हैं सबके लिए। वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की कोई बात नहीं है, मानव विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति के लिए वो आए हुए हैं। नाम जपने से और कर्म करने से, दो बातें ठाकुर जी का, नाम और ध्यान और कर्म, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वह नाम और कर्म जब चल दोनों चलेगा तभी मानव का जीवन का सफलता मिलेगी। कर्म क्या करना पड़ेगा? कर्म अपने आपका जो कर्तव्य है, दायित्व है, माता पिता भाई बहन समाज देश, ठाकुर जी बोले हैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अपना, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, दस और देश का, वर्तमान भविष्य का उत्तरदायी खुद तुम हो। इसलिए तुम ठीक बनो, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को उपलब्ध करो।